हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी भी उनकी एज बढ़ती है या फिर आजकल तो बहुत मॉडर्न एज में भी मतलब कि जो 20 से लेकर 30 साल के बच्चे हैं या फिर जो 30 से लेकर 40 साल के यंग पीपल्स हैं या फिर 40 साल के बाद के जो ओल्ड एज है, मिड ओल्ड एज हैं, तो उन लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब भी वह सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। वो बोलते हैं हमें एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी हील्स में बहुत दर्द हो रहा है, इसी के साथ साथ उनकी हड्डियां बढ़ने भी लगती है। मतलब कि अगर वो देखते हैं तो हील में उनकी हड्डी बढ़ने लगती है, हील की साइड में, जिसको हम हील स्पर बोलते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा पेन वो भी रहता है, भाई नुकीली हो जाती है तो और ज़्यादा पेन होता है। फिर काफ़ी सारे लोग उनके लिए मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स उनको ऑपरेट करवाने की सलाह दे देते हैं, तो फिर वह डर जाते हैं कि ऑपरेट करवाएं कि नहीं करवाएं। फिर बहुत सारे लोग ऑपरेट करवा भी लेते हैं, उसको कटवा देते हैं और उसको ऑपरेट करवा के निकलवा देते हैं। पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दो तीन ऐसी बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन के बारे में जो कि कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको कॉज नहीं करेंगी और आपकी चाहे एडी में सिर्फ दर्द हो या फिर किसी प्रकार की सूजन रहती हो, रेडनेस रहती हो, उसी के साथ अगर आपको हील इस पर मतलब आपकी हड्डी वगैरह बढ़ गई हो और आपको बहुत दर्द होता हो सुबह उठते समय, सुबह उठने के बाद पहला वॉक करते समय या फिर दिन भर दर्द रहता हो अगर आपकी एडी में, तो यह सारी सारी मेडिसिन आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगी जो भी आपकी अभी है दर्द भरी कंडीशन चल रही है उससे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं भाई कौन कौन सी मेडिसिन है, कैसे उनको लेनी है, कैसे वह वर्क करती हैं और उन मेडिसिन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो पहुंचती रहे और अपने स्वस्थ बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन की बात करें तो वह आता है अर्निका मोंटाना। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रकार का दर्द रहता है तो अर्निका आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी मेडिसिन होती है किसी भी दर्द को ठीक करने के लिए। इसी के साथ अगर आपको हील स्पर है, आपकी हड्डी बढ़ी हुई है और आपको वह बहुत ज़्यादा दर्द देती है, अगर जब भी आप चलते हैं सुबह उठ के और आपको वह हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द देती है या फिर अगर वह हड्डी नहीं भी बढ़ी हो फिर भी अगर आपकी एडी पे इन्फ्लामेशन रहती है, सूजन रहती है, रेडनेस रहती है और आप चलते हैं और आपको दर्द होता है डेली, तो अगर आप अर्निका मोंटाना 200 पोटेंशियल में लेते हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसको किस तरीके से लेना है। तो आप लोगों को इसको जो आपका 200 पोटेंशियल में डाइल्यूशन लेके आएंगे, आपको इसको सुबह शाम दो दो बूंद करके अपनी जुबान पर डायरेक्ट डाल लेना है। अगर आपको लगता है कि आप जुबान पर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप इसको ग्लोब्यूल्स में भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो आप इसको थोड़ा सा हाफ कप ऑफ वन फोर्थ कप ऑफ वाटर में कुनकुने पानी में आप इसकी 3 से लेकर 4 बूंद डालिए और सुबह शाम इसको पी लीजिए। आप लोग देखेंगे कि आपको 2 से लेकर 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। यह बहुत अच्छा काम करती है आपके हील स्पर में भी, अगर आपकी हड्डी बढ़ गई तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ अगर आपको सिर्फ सूजन है या फिर सिर्फ आपको दर्द रहता है तो भी यह बहुत अच्छा असर करेगी आपके हील के पेन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन आती है रूटा। फ्रेंड्स, अगर रूटा का आप सेवन करते हैं तो रूटा भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है और रूटा खासकर हड्डी जब आपकी बढ़ जाती है, हील स्पर जब आपको जब हो जाता है तो बहुत अच्छा वह रिजल्ट देती है और आपका जो हील स्पर के कारण जो आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसका, और इसी के साथ साथ जो भी आपको इन्फ्लामेशन हो रही है वह भी वह ठीक करता है। फ्रेंड्स, रूटा एक पेन किलर की तरह काम करती है, दर्द निवारक गोलियों की तरह काम करती है। अगर आप लोगों को पेन किलर से निजात पाना है और अगर आपको यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर करनी है, जो आप बार बार पेन किलर्स लेते हैं एलोपैथिक, फिर आपको और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे, तो अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप लोग रूटा को 200 पोटेंसी में लीजिए। आपको उसको भी वही करना है, दो दो बूंद आप डायरेक्ट जुबान पर डाल लीजिए, फिर 1/4 कप ऑफ वाटर में आप लोग 3 से लेकर 4 बूंद डालिए और इसको सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार पी लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि हमें तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है यार, हम अगर एक मेडिसिन लेंगे तो हमारा ठीक नहीं हो पाएगा या फिर और जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप लोग सुबह शाम दोनों ही मेडिसिन ले सकते हैं, अर्निका मोंटाना जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और जो ये रूटा मेडिसिन जो है, इन दोनों को ही आप ले सकते हैं। सुबह भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं, दोनों को ही। बस आपको याद ये रखना है कि 10 से लेकर 15 मिनट का आपको गैप रखना है। पहले आप अर्निका ले लीजिए, फिर उसके 15 से लेकर 20 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद रूटा मेडिसिन ले लीजिए।
फ्रेंड्स थर्ड मेडिसिन आती है कैल्क्यूलिया फ्लोर, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अगर आपकी हड्डी बड़ी हुई हो, नुकीली आपकी हड्डी हो गई हो, आपको बहुत ज़्यादा वह दर्द दे रही हो, ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो बड़ी हुई हड्डी है वह आपकी एड़ी को फाड़ देगी, बिल्कुल बहुत दर्द है आपको, और अगर आपको लोगों को लग रहा है कि फील हो रही है आप लोगों को वह हड्डी की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको हाथ में फील भी होने लगी है जब आप उसको टच कर रहे हैं तो, और अगर आपको किसी भी डॉक्टर ने ऑपरेट करवाने का बोल दिया है कि आपको इसको एम्प्यूट कटवा के ही बाहर करवाना पड़ेगा, तो आप लोग कैल्क्यूलिया फ्लोर 6x पोटेंसी या फिर 12x पोटेंसी में ले सकते हैं। किसी भी बोन का एक्स्ट्रा ग्रोथ जब होती है तो हम कैल्क्यूलिया फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे इसको 6x में ले लीजिए या फिर 12x में ले लीजिए, इसकी आपको 6-6 गोलियाँ लेना है और आपके मुँह के अंदर डालना है, उसको चूसते रहना है। आप लोग देखेंगे कि अगर आपने 10 दिन भी आप इसको ले लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको रिजल्ट तो 2-3 दिन में ही दिखने लगेंगे, पर आपकी 10-12 दिन में पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यह तीन मेडिसिन बहुत अमेजिंग वर्क करती हैं। आगे की एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके किसी भी टाइप के एडी के पेन को, हील स्पर को, और भी जो भी आपकी पैरों से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं आपको, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग वो मेडिसिन लेंगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, हील्स को लेके और आपके सोल को लेके, आपके पैरों को लेके। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी अभी भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलें, और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह शेयर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन दबाकर क्लिक कर लीजिए ताकि पहुँचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।